नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन। शुरू करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। अमेरिका का सबसे दुबला घर 9 करोड़ में बिका। आइसक्रीम ठंडी थी इसलिए पैसे वापस। फ्रांस की सुंदरी ने की बिहारी बाबू से शादी। आप भी बन सकते हैं इस द्वीप के राजा या रानी। अर्जेंटीना के आसमान में कपास जैसे बादल। सिर्फ 10 फीट चौड़े और 30 फीट लंबे घर के लिए अमेरिका में मिली अच्छी खासी कीमत। जानते हैं क्यों ये घर 9 करोड़ में बिका। बोस्टन में स्किनी हाउस के नाम से जानी जाने वाली एक इमारत जो केवल 10 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी है, $25 मिलियन यानी 9 करोड़ रुपए में बिकी। ये 4 मंजिला घर तब बनाया गया था जब एक सैनिक युद्ध से घर लौटा और उसने पाया कि उसके भाई ने एक बड़ा सा घर बनाने के लिए उनकी विरासत का बड़ा हिस्सा ले लिया है। इसके बावजूद बची हुई जगह पर उसने ये पतला सा घर बनाया। इस परिवार का ये घर केवल 10 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा है, जिसमें 4 मंजिल में फैली 1165 वर्ग फुट जगह है। बोस्टन के फ्रीडम ट्रेल के दौरान पर्यटक रोजाना इस घर को देखने के लिए रुकते हैं। मैनचेस्टर के एक दुकानदार को ठंडी ठंडी आइसक्रीम बेचने के बाद भी ग्राहक को पैसे वापस करने पड़े, क्यों आइए देखते हैं। आइसक्रीम के शौकीन हर जगह होते हैं और हर कोई चाहता है कि उसकी आइसक्रीम ठंडी हो, लेकिन मैनचेस्टर के एक दुकानदार को ग्राहक के पैसे लौटाने पड़े क्योंकि उनके अनुसार आइसक्रीम बहुत ठंडी थी। ये किस्सा मजेदार है लेकिन सच है। मैनचेस्टर में हाल ही में शुरू हुए एक खरीदारी के संकेत स्थल ने किए हुए एक वादे के कारण ये हो रहा है। इस संकेत स्थल के अनुसार अगर खरीदार किसी कारण खरीदी हुई चीज से नाखुश हैं तो संबंधित दुकानदार को उसके पूरे पैसे लौटाने होंगे और लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसा मैनचेस्टर में अपने दुकान से आइसक्रीम बेचने वाले हसन हबीब का कहना है। वो चाहते हैं कि ऐसे संकेत स्थल तुरंत अपनी नीति को बदल दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिला वजह हो रहे नुकसान से बचें। फ्रांस की एक सुंदरी का आया बिहारी बाबू पर दिल। हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। सुनते हैं यह दिलचस्प खबर। अपने प्रेमी को जीवन साथी बनाने के लिए फ्रांस के पेरिस में रहने वाली एक युवती 7 समंदर पार कर बेगूसराय जिले के कठरिया गांव पहुंची और 7 फेरे लेकर शादी रचा ली। दोनों की शादी हुई तो देसी दूल्हा और विदेशी दुल्हन को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कटरिया निवासी रामचंद्र साहू के बेटे राकेश कुमार ने पेरिस की रहने वाली बिजनेस वुमन मेरी लोरी हेरल के साथ सनातन परंपरा के अनुसार विवाह रचाया। विवाह के लिए लड़की के परिजन भी साथ आए थे। लड़के के पिता रामचंद्र साहू ने बताया कि उनका बेटा राकेश दिल्ली में रहकर देश के विभिन्न हिस्सों में टूरिस्ट गाइड का काम करता था। इसी दौरान करीब 6 महीने पहले उसकी दोस्ती भारत घूमने आई मेरी के साथ हुई। भारत से अपने देश जाने के बाद दोनों की बातचीत कब प्रेम में बदल गई किसी को पता नहीं चला। इसके बाद करीब 3 साल पहले राकेश भी पेरिस चला गया। वहां जाकर राकेश मेरी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कपड़े का व्यवसाय करने लगा। इसी दौरान दोनों का प्रेम बढ़ता गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मेरी को भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी पसंद थी कि उसने भारत आकर अपने होने वाले पति के गांव में शादी करने का प्लान बनाया। इसके बाद भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों की शादी संपन्न हुई। 14वीं सदी के महल वाला इंग्लैंड का ये द्वीप राजा या रानी ढूंढ रहा है। इस सम्मान को पाने के लिए लोगों को करना होगा आवेदन। इंग्लैंड का पील द्वीप जो 14वीं शताब्दी के पील महल के लिए मशहूर है, एक योग्य सम्राट की तलाश कर रहा है। ऐसा सम्राट जो वहां स्थित 300 साल पुराने पब को चलाने के सहित कई आवश्यक कार्य करेगा। इंग्लैंड के उत्तर में कुमरिया के बैरो इन फरनेस के तट पर 50 एकड़ के पील द्वीप के अगले राजा या रानी के लिए 1 महीने से खोज शुरू हुई है। जुलाई 2021 में पिछले सम्राट के चले जाने के बाद ये द्वीप एक नए नेता की तलाश कर रहा है। एक साझेदारी संगठन वर्तमान में यह द्वीप चला रहा है। राजा या रानी के पद के लिए आवेदन करने वाले भावी सम्राटों को ब्रिटिश शाही परिवार का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट की खोज कर रही परिषद चाहती है कि नया सम्राट अच्छे स्थानीय ज्ञान वाला हो जो अप्रैल में अपना काम शुरू कर सके। अर्जेंटीना के आकाश में दिखे रहस्यमय बादल तो दहशत में आ गए लोग। जानते हैं क्या है सच्चाई। अर्जेंटीना में रुई के गोलों या मार्शमेलो नामक व्यंजन जैसे दिखने वाले बादलों से ढके आकाश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आकाश में इन बेहद रहस्यमय बादलों को देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। ये दुर्लभ बादल आकाश में इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे रुई के कई विशाल गोले तैर रहे हों।
ये बादल देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे, लेकिन तेज तूफान के आने की चेतावनी दे रहे थे। इन बादलों के वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया गया था और अब तक इसे हजारों लोग देख चुके हैं। वैसे इन बादलों को मामाटूस बादल कहा जाता है। माना जाता है कि इन बादलों में पानी और बर्फ के कणों के ज्यादा होने के कारण ऐसा होता है। बादलों के अंदर कुछ इस प्रकार का दबाव बन जाता है कि वे किसी थैले की तरह लटक जाते हैं। इनके दिखाई देने पर अक्सर तूफान आते हैं, भारी बारिश और बिजली गिरती है। इसी के साथ यहीं पर रुकते हैं आज के न्यूज मैगजीन में। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।